अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब फ्रेंड खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के ज़माने में होंगे। अच्छा तो फ्रेंड, अपने चैनल पर कुछ अपडेट कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अपने चैनल पर हट के है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम आरओ प्लांट के हवाले से। तो एक जगह में आया हूँ, एक जगह का आपको आरओ प्लांट का विजिट करवाते हैं। तो इसकी जो मैन आइटम है, इसमें जो जो फिटिंग लगी है उसके बारे में आज आपको बताएंगे, और नेक्स्ट आपको इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये आरओ प्लांट जो लगा हुआ है, ये 1000 लीटर पर घंटे की इसकी एवरेज है, 1000 लीटर पर घंटे के हिसाब से। तो आरओ इसकी जो फिटिंग के हवाले से हम आते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी इस साइड पर आ जाते हैं। ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है, ये ऊपर इसकी एक टंकी रखी हुई है 2000 लीटर की। तो इसके लिए कम से कम 2000 लीटर के टैंक होना चाहिए। उसके बाद ये जो लगा हुआ है, ये फील्ड पंप है, ये 1 से 2 हॉर्स पावर का भी हो सकता है, लेकिन इधर 1 हॉर्स पावर का लगा हुआ है। और इसके बाद ये फिल्टर है, ये फाइबर का है, और इसके ऊपर जो ये मटेरियल चढ़ा हुआ है, ये कोकोनट का चढ़ा हुआ है, और ये सैंड फिल्टर है, और इसके आगे ये कार्बन फिल्टर है। और इससे आगे अगर चले हम तो इससे पानी गुजर कर आ जाता है, ये 5 माइक्रोन का फिल्टर लगा हुआ है, और एक ये 1 माइक्रोन का फिल्टर लगा हुआ है। और इस तरह पानी जो मजीद आगे जिस टाइम आता है, तो इसके बाद ये क्या नाम है, हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है, ये 3 हॉर्स पावर का लगा हुआ है पंप। और इसके बाद पानी जो है आरओ मेम्ब्रेन में चला जाता है, आरओ मेम्ब्रेन से पानी जो है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी। और इसके बाद जो है थोड़ा सा इतना ये इसका ड्रेनेज टैंक लगा हुआ है, ठीक है, इससे जो डोजिंग पंप से के बाद पानी बिल्कुल सफाई हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक जो है अल्ट्रा वायलेट इसके लेजर इसके अंदर लगा हुआ है, इससे पानी गुजरता है, मजीद जो भी बैक्टीरिया है और वो इसको कंट्रोल करता है, साफ कर देता है बैक्टीरिया। और उसके बाद जो है ये हमारा पानी जो है सेव करने के लिए टैंक है, पीने के काबिल प्रोडक्ट वाटर आ गया हमारा, ये भी 2000 गैलन का होना चाहिए। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो आरओ प्लांट के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसकी वर्किंग किस तरह होनी चाहिए, इसकी टीडीएस किस तरह कंट्रोल करनी चाहिए, और इसकी जो सेटिंग है वो किस तरह करनी चाहिए, इसकी वाल वगैरह कंट्रोल, इसकी गेज किस तरह पड़नी चाहिए, इसका ये जो लगी हुई है PSI की गेज है, और ये फीड प्रेशर और हाई प्रेशर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना इसकी वर्किंग करके तो आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।